हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले इंटरनेशनल वेटलिफ्टर विकास ठाकुर को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। विकास को 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करेंगी। विकास ठाकुर को अर्जुन अवार्ड दिए जाने की घोषणा से हमीरपुर और प्रदेश भर में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिवार ने भी इस उपलब्धि को गौरवान्वित करने वाला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकास ठाकुर के इंटरनेशनल गेम्स में उपलब्धियों को लेकर उनकी सराहना कर चुके हैं। इंटरनेशनल गेम्स में लगातार 3 मेडल जीतकर हैट्रिक लगाकर विकास ने विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया है। विकास ठाकुर ने इसी साल इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जीतकर एक और हमीरपुर जिले का नाम दुनिया भर में रोशन किया था। इससे पहले विकास ने दिसंबर 2021 में उज्बेकिस्तान में हुई कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2024 में भी हुई कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने देश को सिल्वर मेडल दिलाया था। वर्ष 2015 में उन्होंने गोल्ड मेडल, वर्ष 2017 में कांस्य और 2018 में भी उन्होंने देश के लिए इंटरनेशनल गेम्स में कांस्य पदक जीता था। विकास के पिता ब्रिजलाल ठाकुर लुधियाना में रेलवे में कार्यरत थे, पूरा परिवार वहीं पर रहता है। विकास 9 बार देश में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और अब तक करीब 35 विदेशी टूर कर वहां पर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर मेडल जीत चुके हैं। विकास का परिवार मूल रूप से हमीरपुर के पटनौन गांव का रहने वाला है। उनकी माँ आशा ठाकुर घृणी है। विकास जब 9 साल के थे तब से ही वे वेटलिफ्टिंग में आ गए थे और लगातार अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर अपना नाम और पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकास ठाकुर से मुलाकात के दौरान उनकी उपलब्धियों के बारे में उनकी प्रशंसा कर पीठ थपथपाई थी। हिमाचल में सुविधाएं न मिल पाने के कारण विकास ठाकुर पंजाब शिफ्ट हो गए और वहीं से उन्होंने अपने खेल जीवन की शुरुआत की। हिमाचल में अब तक सरकार ने उन्हें किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में किसी अधिकारी या क्लास 1 पद पर नियुक्ति देने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। विकास के पिता ब्रिजलाल ठाकुर ने बेटे को अर्जुन अवार्ड दिए जाने की घोषणा पर पूरे परिवार की ओर से खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बेटे ने हर बार हमीरपुर प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। वे आज हजारों युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं जो खेलों के नाम कमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल में ज्यादा सुविधाएं खिलाड़ियों को मिले तो यहाँ के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करेंगे। उन्होंने इस अवार्ड को दिए जाने के लिए केंद्र सरकार का भी खास तौर पर आभार जताया है। मैं ब्रिजलाल ठाकुर ट्रेन मैनेजर मेल एक्सप्रेस लुधियाना में कार्यरत हूँ। शाम को जैसे ही समाचार के माध्यम से पता लगा कि मेरे बेटे विकास ठाकुर को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा रहा है तो हम सब परिवार प्रफुल्लित हुए। बड़ी खुशी हुई कि जिस पल का हमें इंतजार था वो आज हमारी मनोकामना पूरी हुई, क्योंकि बेटे ने 20 साल से ये वजन उठा करके उस मुकाम को हासिल किया जिसको कि आज तक किसी ने हासिल नहीं किया था, क्योंकि हैट्रिक लगाने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स में विकास ठाकुर का ही पहला एक नाम गया, जिन्होंने 2014, 2018 और 2022 कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता और देश का मान और सम्मान बढ़ाया। तो आज ये अर्जुन अवार्ड जो मिल रहा है ये एक स्पोर्ट्समैन का ड्रीम होता है जो कि आज भारत सरकार ने उसकी अचीवमेंट को देखते हुए उसकी नॉमिनेशन हुई और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कल ही इसके ऊपर अपना फाइनल रिजल्ट दिया। तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया 30 नवंबर को विकास को अर्जुन अवार्ड देने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, भारत सरकार का, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने उसकी अचीवमेंट को देखते हुए आज ये तोहफा दिया। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब परिवार खुश हैं, उसकी खुशी के ऊपर प्रफुल्लित होकर के हम सब जश्न मना रहे हैं और बधाइयों का तांता चल रहा है। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं।
मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।